देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हैविंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ये आउटर मोस्ट शेल है ना, इसे वैलेंस शेल भी कह देते हैं, VALENCE वैलेंस शेल। स्पेलिंग देख लो, VALENCE वैलेंस शेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हम मेटल। यहां कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हैविंग 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। वही एक्सेप्शन हाइड्रोजन एंड हीलियम का, क्योंकि इनमें तो 4, 5, 6, 7 आउट नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये वो है नॉन मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक। अब जरा एक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम 1224। हमें चेक करना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, 12, ये है। अब करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, KLM। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली शेल में कितने आएंगे, 2। यहाँ से 12 में से 2 निकाल दो, कितने बच गए, 10। सेकेंड शेल की कैपेसिटी कितनी, 8 निकाल दो, यहाँ से कितने बच गए, 2 बच गए। तो इसमें कैपेसिटी, M की कैपेसिटी 8 है, लेकिन हमारे पास बचे हैं 2, तो दोनों के दोनों रख दिए। अब देखो बाहर वाली शेल तो ये है ना, कि अगर किसी ने N ऐसे भी लिखा होता लेकिन इसके अंदर भरे नहीं गए ना इलेक्ट्रॉन, तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, फिल किए गए हैं, ठीक है, वो देखी जाती है आउटर मोस्ट शेल। तो ये है आउटर मोस्ट शेल। इस आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, 2, ठीक है। ये हाइड्रोजन या हीलियम तो नहीं है, नहीं, ये तो मैग्नीशियम है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एक्सेप्शन है। तो ये क्या, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, मेटल। देयरफॉर Mg इज अ मेटल। मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम लेते हैं नाइट्रोजन, 740 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करते हैं, KLM। पहली शेल 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 7 में से 2 निकाल दो, कितने रह गए, 5। सेकेंड शेल में कितने आते हैं, 8, लेकिन हमारे पास 5 है, तो हमने 5 रख दिए, तो ये तो शेल खत्म हो गई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है आउटर मोस्ट शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने, 5। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, नॉन मेटल। देयरफॉर नाइट्रोजन इज अ नॉन। देखो हमने पढ़ा था ना, अगर आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो
तो वो नॉन मेटल कहलाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन मेटल। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो ये क्या हो गया? मेटल। बस ध्यान रखना हाइड्रोजन और हीलियम ना हो, उसमें एक्सेप्शन होता है। हाइड्रोजन हो तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे ही लिख देना नॉन मेटल, हीलियम हो तो उसे भी लिख देना नॉन मेटल। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और हीलियम का क्या होता है? HE, बड़े वाला H एंड छोटे वाला E। ठीक है,